छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है और फैसला किया कि राज्य में कोई नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार देर शाम खत्म हुई। वहीं बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी है। फैसला किया है कि राज्य में कोई नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। उन्होंने बताया कि नई विधानसभा के दूसरे सत्र बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। वहीं बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होने वाला है। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। मंत्रिपरिषद की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों में पहला निर्णय छत्तीसगढ़ की सप्तम विधानसभा के द्वितीय सत्र जो फरवरी मार्च 2024 हेतु राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बजट अनुमान 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024-25 का अनुमोदन किया गया है और हमने यह निर्णय लिया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी।